अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही मज़े की चिप्स, जो कि जी पोटैटो क्रिस्पी चिप्स। इसको मैंने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये चार आलू थे, इनको मैंने स्लाइसिस में काट के नमक लगा के इसको वॉश कर लिया था। स्पाइस मेरे पास है जी नमक है, कुटी काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है, नमक है और चावलों का पाउडर है मेरे पास। साथ में है जी मेरे पास बेसन एक प्याली, एक गिलास पानी का है। बर्तन में ऐड करेंगे बेसन एक प्याली, स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद चावलों का पाउडर ऐड करने से होगा कि इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, बहुत क्रंची आएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, पानी एकदम से ऐड नहीं करना, इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया से इसका जो कलर है बहुत प्यारा आएगा। इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर आधा कप पानी का थोड़ा ऐड करेंगे ताकि जो बैटर है थोड़ा सा थिक हो जाए और आलूओं पे बहुत अच्छे से लग सके। इसको आप स्नैक्स में यूँ खाएँ, बच्चों में बॉक्सिस में दें और इन्जॉय करें। आलू ऐड कर दिए, कुछ आलू मैंने फ्राई कर रही हूँ, ये देखें। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करें ताकि आलू और बेसन अच्छे से पक जाए। ये देखिए, इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे, पलटेंगे। ये देखिए जी कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। ये देखिए जी इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, गोल्डन सा। इस स्टेज में हम जो है वो ऑयल से निकालेंगे और इसको टिश्यू पेपर पे फैला लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल वो डिज़ोल्व हो जाए। इसको एंजॉय, इस तरह से इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ठीक है।